हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। एज वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक नी जॉइंट, टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग लिगामेंट्स तो नेक्स्ट लिगामेंट इज ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट। ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट मीन्स ऑब्लिक का मतलब तिरछा, और पॉपलीटियल मीन्स पॉपलीटियल यानी कि आपके पोस्टीरियर टू द नी, जिसको हम पॉपलीटियल फोसा बोलते हैं। तो वहाँ पाया जाता है, इसलिए इसको पॉपलीटियल और ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है, इसलिए हम इसको पॉपलीटियल ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट बोलते हैं। इट इज़ द टेंडिनस एक्सपेंशन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल्स। तो आपको जब लोअर लिम की मसल्स पढ़ाई जाएंगी तो उसमें आपकी एक मसल्स का नाम आएगा हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग जो है वो आपकी तीन मसल से मिलके बनती है, जिसमें से एक होती है सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो सेमी मेम्ब्रेनोसस का जो टेंडन टेंडन यानी कि जो आपके बोन में जाके अटैच होता है वो लास्ट पार्ट, उसी का बना हुआ आपका क्या नाम है ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट होता है। इट रीइंफोर्सेस, रीइंफोर्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। द पोस्टीरियो मीडियल कॉर्नर ऑफ द नी जॉइंट कैप्सूल, यानी कि ये जो हम लिगामेंट पहले जो हमने चार लिगामेंट पढ़े थे वो मेजर लिगामेंट थे, इंपॉर्टेंट लिगामेंट थे जिनका एक मेजर रोल था। ये सब जितने हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, ये सब सपोर्टिव लिगामेंट्स हैं, यानी ये वहाँ के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं, या ये कह लीजिए कि जो ऊपर के चार लिगामेंट हैं MCL LCL ACL PCL इन सबको सपोर्ट करता है, इसीलिए इनके साथ वर्ड लगा रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब है एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एंड एंड एट पोस्टीरियो पोस्टीरियर मीडियल टिबियल कॉन्डाइल। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए रेड कलर के गोले में ये पोस्टीरियर व्यू है आपके नी जॉइंट का, ठीक है, और ये रेड कलर के गोले में आप जो देख रहे हैं ये है आपका ऑब्लिक पॉपलीटियल। तो ऑब्लिक का मतलब समझ गए तिरछा, और इन्होंने देखिए बात की थी ना कि टेंडिनस एक्सपेंशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो ये देखिए ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल्स है आपकी, ये मोटी वाली, उसी का निकला हुआ हिस्सा है, ये देखिए उसी का निकला हुआ, उसी से निकल रहा है ये, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये कह रहे हैं इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल के सेंट्रल पार्ट से शुरू होता है और टीबिया के मीडियल कॉन्डाइल पे जाके खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट। तो इससे पहले हमने बात की थी ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट, और ये है पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर सुपरफिशियल देन ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट। तो अगर हम बात करें मजबूती की, तो ये पिछला वाला जो हमने पढ़ा था पोस्टी ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट, उससे ज़्यादा मजबूत होता है ये वाला लिगामेंट, और सुपरफिशियल यानी उससे ज़्यादा ऊपरी की तरफ होता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एडक्टर ट्यूबरकल एंड एंटीरियर टू द गैस्ट्रोनिमस ट्यूबरकल एंड एंड एट टीबिया जस्ट बिलो MCL। तो अगर आप इसका अटैचमेंट देखेंगे तो अटैचमेंट जो है वो इसका है एडक्टर ट्यूबरकल से, जहाँ से एडक्टर मसल्स निकलती हैं आपकी, ठीक है, और कहाँ ख़त्म होता है टीबिया में, जहाँ MCL अटैच हो रही है उसके जस्ट नीचे जाके ख़त्म होता है। टीबिया वाले पार्ट पे जहाँ MCL अटैच होती है उसी के जस्ट नीचे ख़त्म होता है ये आके। इट ऑल्सो रीइंफोर्स यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट द पोस्टीरियो मीडियल कॉर्नर ऑफ द नी जॉइंट कैप्सूल। तो ये पोस्टीरियो मीडियल की तरफ से इसको सपोर्ट करता है, पोस्टीरियो मीडियल की तरफ से, ठीक है, ये नी जॉइंट को सपोर्ट करता है। इट असिस्ट इन चेकिंग हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, यानी कि ये नी के हाइपर एक्सटेंशन को भी होने से रोकता है, यानी नी का ओवर एक्सटेंशन या ज़्यादा एक्सटेंशन ना हो, ये उसको भी चेक करता रहता है कि ना हो ये, ठीक है। और वेलगस स्ट्रेस यानी कि पैर का तिरछा मोड़ना, जैसे कभी कभी आप चलते चलते लचक जाता है पैर नी जॉइंट से, ठीक है, घुटने से, तो ये उसको रोकता है कि वो ज़्यादा ना हो, उसी को हम बोलते हैं वेलगस स्ट्रेस। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं रेड गोले के अंदर, ये देखिए आपका है पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट, ये देखिए ये है, ये देखिए आपका ये वाला पार्ट, बहुत छोटी सी लिगामेंट होता है
ये देखिए यहाँ होता है ये आपके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्कुएट लिगामेंट की। तो इसकी खास बात यह है कि इट इज वाई शेप कैप्सुलर थिकनिंग फाउंड नियरली इन 70% ऑफ नीज। तो अगर हम बात करें तो ये जो वाला लिगामेंट है ये मोस्टली लोगों में पाया जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि हर लोगों में पाया जाता है, ये ऐसा नहीं कर सकते। 70% लोगों में या 70% लोगों के नीज में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी हम शेप की बात करें तो ये वाई शेप की तरह से हमारी बॉडी में या हमारे नी जॉइंट में अटैच होता है, वो हम आगे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेंडन ऑफ पॉपलीटियस मसल एंड एंड्स एट पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ फिबुला। तो अगर आप इसके अटैचमेंट की बात करेंगे तो ये पॉपलीटियस मसल्स, जिसकी वजह से वो पॉपलीटियस मसल यानी कि पॉपलीटियस फोसा के पास जो मेजर मसल होती है जिसका नाम पॉपलीटियस है, ठीक है, ठीक, उसके टेंडन के रूप में ये टेंडन जहाँ होता है उससे वहाँ से ये निकलता है और ख़त्म कहाँ होता है, फिबुला का जो हेड होता है, ठीक है, टिबिया के बगल में, फिर फिबुला का जो लेटरल आस्पेक्ट पे उसके हेड के पीछे जाके ये ख़त्म होता है। इट रीइंफोर्स पोस्टीरियो लेटरल कॉर्नर ऑफ द कैप्सूल। तो इससे पहले वाले जो दोनों थे वो क्या कर रहे थे, पोस्टीरियो मीडियल की तरफ से सपोर्ट कर रहे थे, ये कहाँ से सपोर्ट करता है, पोस्टीरियो लेटरल की तरफ से सपोर्ट करता है ये। इट ऑल्सो असिस्ट इन चेकिंग द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी। तो जैसे कि पिछला वाला आपका था ऑब्लिक पोस्टीरियर लिगामेंट, ठीक है, उसी की तरह ये भी क्या करता है, हाइपर एक्सटेंशन को नहीं होने देता है, चेक करता है कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सटेंशन। इट ऑल्सो चेक्स वेरस स्ट्रेस, ठीक है, वो आपके वेलगस स्ट्रेस को चेक कर रहा था इससे पहले वाला, ये वेरस स्ट्रेस को चेक करता है, ठीक है। ये डायग्राम में इसका जो हम वाई शेप की बात कर रहे थे, देखिए ये वाई शेप बनाता है और इसका अटैचमेंट देख लीजिए, देखिए फिबुला के पीछे की तरफ, ये पोस्टीरियर व्यू है तो ये फिबुला के पीछे जाके अटैच हो रहा है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ठीक। दूसरे डायग्राम में ये देखिए कितना साफ दिख रहा है, ये देखिए वाई शेप बना रहा है इसका जो लिगामेंट है, ये देखिए वाई शेप बना रहा है, ये जो नीले गोले में आपको दिख रहा है ये है इसका वाई शेप। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रांसवर्स लिगामेंट की। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कैसा, लेटा हुआ, नाम से ही क्लियर है, लेटा हुआ लिगामेंट, यानी ऐसा लिगामेंट जो हमारे नी जॉइंट पे ऐसी पोजीशन में मिले जैसे कोई लेटा हुआ हो, ठीक है, वैसी। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द मिनिस्कस, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारे नी जॉइंट में एक मिनिस्कल, एक स्ट्रक्चर होता है मिनिस्कस, उसके आगे की तरफ पाया जाता है, यानी कि आप जब एंटीरियर व्यू से देखेंगे तब आपको ये दिखेगा, ठीक है। इट कनेक्ट द एंटीरियर कन्वेक्स मार्जिन ऑफ द लेटरल मिनिस्कस टू द एंटीरियर एंड ऑफ द मीडियल मिनिस्कस। तो ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है आगे की तरफ से किसको, लेटरल मिनिस्कस और लेटरल मिनिस्कस, मीडियल मिनिस्कस और लेटरल मिनिस्कस को अटैच करता है, जोड़ने जोड़ने का काम करता है ताकि वो आगे पीछे ना खिसके। इट प्रिवेंट द मिनिस्कस टू मूव फॉरवर्ड, ये आगे खिसकने से रोकता है मिनिस्कस को, क्योंकि ये आगे से एकदम दीवार की तरह, ये सपोर्ट की तरह लग जाता है मीडियल मिनिस्कस से भी और लेटरल मिनिस्कस से भी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट प्रेशर एग्जर्टेड बाई द कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर एंड टीबिया ऑन मिनिस्कस। तो ये क्या करता है, ये जो आपका लेटरल लिगामेंट है ये मिनिस्कस के ऊपर जो फीमर का और टीबिया का जो कॉन्डाइल है, जब आप मूव करते हो तो वो प्रेशर ना डाले उसके ऊपर, उसके ऊपर दबाव ना डाले, ठीक है, तो ये उसको रोकता है, ठीक। तो अब ये देखिए ये है आपका सुपीरियर व्यू, ये जो हम देख रहे हैं ये है सुपीरियर व्यू। तो सुपीरियर में ऐसा दिखता है, ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में देखिए, ठीक है, ये आपके लेटरल मिनिस्कस हैं और ये आपका मीडियल मिनिस्कस है, ठीक है, और ये इसके आगे, ये सुपीरियर व्यू है और ये इधर देखिए ये आगे की तरफ पाया जाता है, ये देखिए ये नोक निकली है, ठीक है, ये आपके आगे की तरफ है, ठीक, ये एंटीरियर वो पार्ट है आपका ये, ठीक है, ये देखिए रेड बॉक्स के अंदर देखिए ये है आपका ट्रांसवर्स, इस तरह से ये लगा रहता है, ठीक है। अब हम इसको एंटीरियर व्यू से भी देखेंगे, ये देखिए एंटीरियर व्यू से, ये देखिए जो हम बात कर रहे थे कि ये आपके मिनिस्कस के कॉर्नर पे, मार्जिन पे पाया जाता है, एकदम कोने पे पाया जाता है आगे की तरफ। तो ये देखिए रेड बॉक्स के अंदर ट्रांसवर्स लिगामेंट एंटीरियर व्यू में, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है आपका टीबिया के ऊपर मिनिस्कस है और मिनिस्कस के आगे वाले पार्ट पे सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है आपको रेड बॉक्स में, ये है आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल्स की। मसल्स यानी कि डायनेमिक स्टेबलाइजर, जिसको आप लोग अपने मसल्स वाले, लोअर लिम के मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं मिनिस्कस। अभी जब हमने ट्रांसवर्स लिगामेंट की बात की थी तो उसमें एक स्ट्रक्चर का नाम आया था मिनिस्कस, ठीक है। तो ये मिनिस्कस क्या होता है, ठीक है। तो मिनिस्कस आपका कुछ नहीं, फाइब्रोकार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है जो कि नी जॉइंट में पाया जाता है, ठीक है, कुशनिंग के लिए, ठीक है। वो कॉन्डाइल जो फीमर और टीबिया का जो कॉन्डाइल है वो आपस में टकराए ना तेजी से, उसके लिए, कुशनिंग के लिए वो पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ क्रिसेंट, क्रिसेंट का मतलब होता है हाफ मून, जैसे आधा चंद्रमा होता है ना वैसे होता है स्ट्रक्चर, डेट इन कंट्रास्ट टू एन आर्टिकुलर डिस्क, यानी कि ये एकदम अपोजिट होता है आर्टिकुलर डिस्क के, क्योंकि आर्टिकुलर डिस्क क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आधे में बटा नहीं होता है, पूरे सर्किल की तरह होता है। ये इन सब चीज़ की वजह से ये एकदम उससे अपोजिट होता है मिनिस्कस, ठीक है। ठीक, इट पार्शियली डिवाइड द जॉइंट कैविटी। ये मतलब एक तो मतलब ये कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते ये पूरी तरह से जॉइंट को डिवाइड करता है, ठीक है। ये जॉइंट को आधे तरीके से या पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके होते हुए भी जॉइंट, यानी जो दो हड्डियां जॉइंट बना रही, दो बोन्स जो जॉइंट बना रहे, वो कहीं ना कहीं टच होते हैं आपस में, ठीक है। इसीलिए पार्शियली उन लोग को अलग करता है। जैसे कि अगर आप इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो जितनी दूर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है, जितनी उतनी दूर एक वर्टिब्रे दूसरा वर्टिब्रे से टच बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जितनी दूर प्रेजेंट होती है उसके अलावा भी बोन कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच होती हैं, इसीलिए इन्होंने बोला है कि पार्शियली डिवाइड द जॉइंट कैविटी, ठीक है। जनरली द टर्म मिनिस्कस इज यूज टू रेफर द कार्टिलेज ऑफ द नी। तो नी का जो कार्टिलेज है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं मिनिस्कस। इसी वजह से मिनिस्कस इससे पहले कहीं नहीं आया, किसी जॉइंट में नहीं आया, इसी वजह से। दे आर ऑफ टू टाइप, मीडियल मिनिस्कस एंड लेटरल मिनिस्कस, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल पे जो पाया जाएगा वो मीडियल मिनिस्कस, लेटरल कॉन्डाइल पे जो पाया जाएगा वो लेटरल मिनिस्कस। ये टीबिया के ऊपर एकदम सेट होता है, बैठा रहता है, एकदम अटैच होता है टीबिया के ऊपर। इट डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द बॉडी एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट। अब इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि जैसा कि हमने बात की थी कि अगर हिप जॉइंट को छोड़े तो नी जॉइंट हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा वेट बियर करने वाला जॉइंट होता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वजन आता है, ठीक है। और अगर हम रनिंग, खेल कूद और जंपिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा एग्जर्शन नी जॉइंट पे आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, या ये कहिए कि पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो पूरे जॉइंट पे, उसके लिए मिनिस्कस रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर मिनिस्कस नहीं होता तो ऐसा होता कि कहीं ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता नी जॉइंट की ही बात करें, और कहीं कम प्रेशर पड़ रहा, तो जहाँ ज़्यादा पड़ रहा होता वहाँ इंजरी होने के चांसेस, वो डीजनरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते, जहाँ कम पड़ रहा होता वहाँ कम होता। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके पूरे शरीर के वजन को, ठीक है, ताकि पूरे नी जॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरा, आपका फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, घर्षण ना हो जब आप नी जॉइंट चलाएं, नी जॉइंट्स काम करें या जब चलाएं तो उसमें घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, रुकावट ना आए, तो उसको ये फ्री करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मिनिस्कस होता कहाँ है। तो अगर आप एंटीरियर व्यू, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये देखें टीबिया के ऊपर लाइट ऑरेंज कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका मिनिस्कस, ये है मिनिस्कस, ये देखिए टीबिया के ऊपर है आपका, फीमर से और टीबिया के बीच में, लेकिन ये टीबिया के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। ये देखिए मिनिस्कस है आपका, ये ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर का बैंड पतली नुमा और पैड की तरह दिख रहा है कार्ड, ठीक है, जैसे आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैड था, डिस्क था, वैसे दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये है आपका, ठीक है, और ये आपका सुपीरियर व्यू है कैसा दिखता है, जो हम इसकी क्रिसेंट या हाफ मून शेप की बात कर रहे थे, ये देखिए इस वजह से। और पार्शली नी जॉइंट कैविटी को क्या ना डिवाइड करता है वो इस वजह से, देखिए ये पूरे पे नहीं बिखरा हुआ है, देखिए कहीं कहीं जगह खाली है, तो इसी वजह से इसको पार्शली बोलते हैं, क्योंकि देखिए बीच से ये खाली रहता है, इसीलिए से इसको पार्शली बोलते हैं कि पार्शली डिवाइड करता है, ठीक है। ये देखिए ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है ये है आपका मिनिस्कस। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।